हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो बेसिकली विंडो 10 के हवाले से है। अक्सर मेरे दोस्तों को ये मसला आता है कि विंडो 10 में जब वो चला रहे होते हैं तो अक्सर औकात विंडो 10 खुद खुद अपडेट होना शुरू हो जाती है, जिसमें के सिस्टम और लैपटॉप की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। और दूसरों को जो प्रॉब्लम आता है वो जब शट डाउन करते हैं तो साथ सिस्टम अपडेट करता रहता है। तो आज गाइस, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप अपने लैपटॉप या सिस्टम की विंडो 10 की जो अपडेट है ऑटोमेटिक, उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए गाइस, करते हैं आज से प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट वाले बट आपने करना ही है दोस्तों, आपने सर्च बार पे क्लिक करना है और आपने एक वर्ड टाइप करना है सर्विसेज। आपके सामने सर्विसेज आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए लेफ्ट क्लिक। आपके सामने डिफरेंट विंडो 10 में जो सर्विसेज रनिंग कर रही हैं वो आपको बड़े शो होंगी। आपने स्क्रॉल करना है डाउन और फाइंड आउट करना है विंडो अपडेट। ये आपके सामने विंडो 10 अपडेट, आपने सिंपल इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। आप जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्विस टाइप की ऑप्शन आ रही होगी, मे बी ऑटोमेटिक डिले हो या कोई मैनुअल हो। आपने सिंपल इस जगह पर डिसेबल करना है, जिसे करने के बाद आपने इस सर्विस को स्टॉप कर देना है और उसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। इस तरह से आपकी जो विंडो 10 की अपडेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएगी। तो अब आपके जो विंडो 10 है वो स्मूथली चलेगी और आपसे बार बार विंडो 10 अपडेट की ऑप्शन नहीं आएगी। गाइस शुक्रिया।